अगले शासक है उदय सिंह, जिन्हें मोटा राजा उदय सिंह भी कहा गया है। 1583 से 1595 तक अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। हालांकि उनके सत्ता में आने से पहले 1581 से 1583 तक जोधपुर या मारवाड़ जो है वो केंद्रीय सत्ता के अधीन रहता है। केंद्रीय सत्ता के अधीन जिस भूमि को रखा जाता है उसे खालसा भूमि कहा जाता है। तो ये खालसा का पीरियड था। 1587 में उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई भी कहा गया, उसका विवाह सलीम से कर दिया। इन्हीं से खुर्रम जो आगे जाके शाहजहां बनते हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो मारवाड़ का पहला शासक जो मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें 1000 का मनसब भी दिया जाता है। उदय सिंह के एक पुत्र हैं किशन सिंह, जो आगे जाकर किशनगढ़ में एक और स्टेट एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये तीसरी रियासत बनती है राठौड़ों की, किशनगढ़। उदय सिंह का एक भतीजा था जिसका नाम था कल्ला राय मलोत। अकबर ने जब शिवाना पे आक्रमण किया था तो उस समय उसने साका किया था। कल्ला राय मलोत का राजस्थानी आख्यानों में बहुत बड़ा महत्व है। बीकानेर के राजपूत पोएट है जिनका नाम है पृथ्वीराज राठौड़, उन्होंने उनके ऊपर कई कविताएं भी लिखी। अगले शासक है राव सूर सिंह, 1595 से 1619। अकबर ने सूर सिंह को सवाई की उपाधि भी दी। जब भी जो मुगलों के अधीन शासक होते थे जब सत्ता में आते थे तो उनको टीका मिलता था। टीका का मतलब है उनको एक तरह का जो है सर्टिफिकेट मिलता था कि अब वो जो है वैधानिक शासक है, मुगलों के अधीन है। तो लाहौर में अकबर था, अकबर ने वहां से उसको टीका भिजवाया सूर सिंह को, और 2000 का मनसब भी उन्हें दिया गया। खुर्रम जब मेवाड़ पे अभियान कर रहे होते तो उस समय सूर सिंह उनका साथ देते हैं और उनकी वीरता से प्रभावित होकर आगे उनको 5000 का मनसब दे दिया जाता है। सूर सिंह के समय में साहित्य के नाम पर देखा जाए तो उनके दरबार में कवि थे माधोदास ददवाड़िया, जिन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम है राम रासो, भाषा दसम स्कंद, गुण गजमुख। इन्हीं के दरबार में इनके आदेश से वास्तव्य श्रीमाली माधव भट्ट ने सूर सिंह वंश प्रशस्ति लिखी। भक्त कवि ईसरदास इनके भी समकालीन थे और इनके दरबार में भी इन्होंने कई रचनाएं लिखी। आला जाला की कुंडलियां, देवयान और हरिरस के अलावा गुण आगम, गुण रासलीला, गुण वैराट, गुण निंदा स्तुति, गुण भागवत हंस, गरुड़ पुराण, गुण छबा प्रव, गुण निदांत, ये आध्यात्म के शांत रस के ग्रंथ जो है ईसरदास ने लिखे। इनके दरबार में एक और कविता जिसका नाम था जसवंत, उन्होंने त्रिपुर सुंदरी वेली और एक दूसरे कवि सायाजी झूला ने नाग दमन तथा रुक्मणी हरण नाम की पुस्तकें लिखी। अगले शासक है गज सिंह, 1619 से लेके 1638 तक। ये समय मुगलों में जहांगीर का समय है। जहांगीर ने टीका भिजवाया, 3000 जात 2000 सवार किया। 1621 में ही जहांगीर ने उसे दल थंबन की उपाधि भी दी। गज सिंह की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था अनारा बेगम, उसके प्रभाव में आके गज सिंह ने जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया। जसवंत सिंह का बड़ा भाई यानी गज सिंह का बड़ा पुत्र अमर सिंह वो नाराज होके दिल्ली दरबार में चला जाता। उन अमर सिंह को शाहजहां ने नागौर का परगना दिया। गज सिंह के दरबारी कवियों में कवि हेम सामोर हैं, जिन्होंने गुण शाखा चरित्र नाम की पुस्तक लिखी। कवि केशव दास ने गज रूपक लिखा जिसे गज रूपक बंद काव्य भी कहा गया है। अगले शासक हैं जसवंत सिंह फर्स्ट, 1638 से 1678। इनका जन्म बुरहानपुर में हुआ। शाहजहां इनके समकालीन राजा थे इसलिए उन्होंने उनको टीका भिजवाया। जसवंत सिंह मुगलों के बहुत ही करीबी राठौड़ शासक थे जिनको अलग अलग अभियानों में भेजा गया जिसमें कंधार, जमरूद इत्यादि प्रमुख हैं। उन्हें आगरा का प्रबंध भी सौंपा गया। शाहजहां के समय में जसवंत सिंह के राइज का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि शाहजहां का जो ननियाल है वो राठौड़ों के यहाँ था। शाहजहां ने जसवंत सिंह की प्रशासनिक कुशलता और वीरता से प्रभावित होकर उनके मनसब को 6000 तक कर दिया। शाहजहां के अंतिम काल में जब उत्तराधिकार युद्ध चल रहे थे तो दारा शिखों की तरफ से उन्होंने धर्मत का युद्ध लड़ा, लेकिन इस युद्ध में वो पराजित हो गए। ऐसा माना जाता है कि जब वो पराजित होकर वापस जोधपुर लौटे तो उनकी रानी जिसे उदयपुरी रानी कहा जाता है उन्होंने किले के द्वार बंद कर दिए। बहरहाल उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब सत्ता में आते हैं। प्रारंभ में मन मुटाव रहता है लेकिन आखिरकार मानसिंह के जयपुर के मानसिंह के हस्तक्षेप से, आमेर के मानसिंह के हस्तक्षेप से जसवंत सिंह और औरंगजेब में सुलह हो जाती है। जसवंत सिंह और औरंगजेब में मनमुटाव का एक कारण यह भी था कि धर्मत के युद्ध में दारा सिखों की तरफ से आए। खजुआ का जब युद्ध हुआ था तो तीन युद्ध हुए थे, धर्मत, खजुआ, सामूगढ़। तो खजुआ का युद्ध हुआ उसमें भी वो बीच में छोड़ के आ गए तो औरंगजेब को उनके प्रति जो थी वो शंका थी, उनके प्रति संदेह था। औरंगजेब ने फिर जसवंत सिंह पर पूरा विश्वास किया, गुजरात का उन्हें सूबेदार बनाया गया। 1662 में मराठों के खिलाफ, शिवाजी के खिलाफ उन्हें भेजा गया। 1673 में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को काबुल अभियान के लिए भेजा और उन्हें काबुल के समीप जमरूद में ही रहने के लिए, बेस बना के रहने के लिए कहा गया। वहीं वो 5 साल लास्ट 1678 में जमरूद में ही उनकी डेथ हो गई। अब जसवंत सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी सिंह बेहद जो है बहुत बड़े पराक्रमी प्रिंस थे और माना जाता है कि औरंगजेब ने उनके शौर्य की परीक्षा लेने के लिए उनको एक बार निहत्ते शेर से भिड़ा दिया था। उन्होंने निहत्ते ही शेर को मार डाला था। अब इसमें कितनी सच्चाई है
नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर माना जाता है कि उनके पुत्र पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई थी अज्ञात कारणों से। कहानियां ये कहती है कि औरंगजेब ने उन्हें एक ऐसी पोशाक दी जिसमें जहर बुझा हुआ था, वो पहन के उनकी डेथ हो गई। इस दुख में भी जसवंत सिंह जो थे अपने फैग एंड में काफी परेशान थे और आखिरकार उसी में उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी एक पत्नी गर्भवती थी, लेकिन औरंगजेब मौके की ताड़ में था और उन्होंने देखा कि जसवंत सिंह का अभी कोई भी उत्तराधिकारी जीवित नहीं है, तो क्यों ना जोधपुर को खालसा बना दिया जाए। और वो कहा भी जाता है कि जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई 1678 में, तो औरंगजेब ने कहा कि अब कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, और उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने जजिया टैक्स लगा दिया। जसवंत सिंह मारवाड़ के राठौड़ों का पीक पीरियड माना जाता है। अपनी मृत्यु के समय वो 7,000 मनसबदार थे। अब कल्चरल पॉइंट से जाया जाए तो जसवंत सिंह के दरबार में कई विद्वान थे, नरहरिदास, सूरत मिश्र, नवीन कवि, बनारसी दास। उनके मंत्री या मुंशी का नाम मुहनोत नैनसी था, जिन्होंने नैनसिरी ख्यात लिखी। मारवाड़ के राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास लिखने का पहला प्रयास मुहनोत नैनसी ने किया था। इसके अलावा नैनसी ने मारवाड़ परगनारी विगत नाम का ग्रंथ भी लिखा। ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव ग्रंथ है कि इसे मारवाड़ का गजेटियर भी कहा जाता है। एक इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद वो कहते हैं कि नैनसी जो है वो मारवाड़ के अबुल फजल है। अबुल फजल ने अकबरनामा आईने अकबरी लिखा, जैसे वैसे मुहनोत नैनसी ने जसवंत सिंह के दरबार में मारवाड़ परगनारी विगत और नैनसी की ख्यात में ये सब चीजें लिखी है। इन किताबों में उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, बाजार में कौन सी चीजें बिक रही है, उनके क्या भाव हैं, रोजाना रोजनामचे में क्या क्या दरबार में क्या चीजें होती है, खाने पीने की चीजें, युद्ध अभियान, सब चीजें उन्होंने लिखी है उसके। जसवंत सिंह खुद भी एक अच्छा लड़ाका और विद्या अनुरागी था, वो खुद भी साहित्यकार थे। उनके बारे में कहा जाता है 4 प्रमुख पुस्तकें उन्होंने लिखी जो कि प्रमुखता से जानी, और भी उन्होंने कई ग्रंथ लिखे जिसमें भाषा भूषण है संस्कृत का काव्य शास्त्र का ग्रंथ माना जाता है। ऐसा माना जाता है संस्कृत के काव्य शास्त्र का पहला इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, जिसे बाद में काशी नागरी प्रचारिणी ने प्रकाशित करवाया। इसमें 212 जो है श्लोक है। अपने ग्रंथ में 166 अलंकार विषयों पर जो है जसवंत सिंह ने चर्चा की। इसके अलावा सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास ग्रंथ जो है जसवंत सिंह के नाम जाते हैं। उन्होंने श्रृंगार रस की नायिका भेद पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है महारा फूली जसवंत संवाद। जसवंत सिंह की पत्नी थी अति रंग दे, जिन्होंने जोधपुर में जान सागर तालाब का निर्माण करवाया। इसे शेखावत जी का तालाब भी कहा जाता है। दूसरी पत्नी का नाम था जसवंत दे, जिन्होंने रायका बाग का निर्माण करवाया। एक तालाब बनाया जिसका नाम था कल्याण सागर, जिसे आज रातानाडा कहा जाता है, क्योंकि वहां पर जो है एक ललाई लिया हुआ मतलब रेड कलर का पानी ज्यादा था। कुछ किताबें कहती है कि जसवंत सिंह ने इन किताबों के अलावा एक संस्कृत पर टीका भी लिखी है। प्रबोध चंद्रोदय नाम की पुस्तक जसवंत सिंह ने लिखी है जो कि श्रीमद् भागवत पुराण पर टीका है। संस्कृत का एक नाटक है चंद्र प्रबोध, उस पर भी उन्होंने टीका लिखी। जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह जो बाद में शाहजहां के दरबार में चले जाते हैं, उनको कटार का धनी कहा गया है। बाद में उनको नागौर परगना भी मिलता है। एक दरबार में एक समय में जब मीर बख्शी सलाबत खान जो है अमर सिंह को अपशब्द कहते हैं, तो भरे दरबार में कटार से जो है सलाबत खान का वध कर देते हैं। बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी नागौर में 16 खंभों की छतरी है। तो अमर सिंह भी राजस्थान की लोक कथाओं में काफी प्रसिद्ध रहे। अगले शासक हैं अजीत सिंह, 1679 से लेकर 1724, औरंगजेब का लास्ट पीरियड। और औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह, जहांदार शाह, रफीदुल जरात और फरूख शेर से तक का पीरियड है, मतलब मोहम्मद शाह आते आते तक का पीरियड है। तो उन्होंने परवर्ती मुगल और औरंगजेब के समय को देखा है। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया जाता है। अजीत सिंह का जन्म जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद 1679 में लाहौर में होता है। औरंगजेब अजीत सिंह को उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं, इसलिए वो अमर सिंह के पुत्र इंद्र सिंह को 36,00,000 रुपए के बदले में मारवाड़ का शासक घोषित कर देते हैं, जिसे जनता भी जो है मानने से इनकार कर देती। अजीत सिंह छोटे थे, अल्पवयस्क थे, माइनर थे, इसलिए उनको लाहौर से मारवाड़ लाने का काम करती है गोरा धाय, जिन्हें मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है। अजीत सिंह का मारवाड़ की गद्दी पर राइट क्लेम था, इसलिए उनके सेनापति दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ के शासक राज सिंह की सहायता लेते हैं और एक लंबा जो है एक संघर्ष चलता है मारवाड़ पे वापस अजीत सिंह को बिठाने। इस पीरियड को मारवाड़ का स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब शहजादा अकबर की अध्यक्षता में एक अभियान को भेजते हैं, लेकिन बाद में अकबर को जो है परसु कर लिया जाता है औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि शहजादा अकबर कुछ समय जब रहते हैं वहां पर, तो उनके पुत्र और पुत्री बुलंद बख्तर और पुत्री सफीउद्दीनिसा दुर्गादास राठौड़ के पास ही रह जाते हैं। दुर्गादास राठौड़ उनको रखते हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा की, फारसी में इस्लामिक शिक्षा दीक्षा की उनकी व्यवस्था करते हैं और
काफी लंबे समय के बाद में उनको औरंगजेब के दरबार में भेजा जाता है। औरंगजेब को जब इस खबर का जो है भान होता है तो इस बात को के लेकर दुर्गादास राठौड़ का आभार व्यक्त करते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, बहादुर शाह शासक बनते हैं और वो अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक मान लेते हैं। अजीत सिंह के समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट पात्र है जिसका नाम है दुर्गादास राठौड़। इन्हीं दुर्गादास राठौड़ की सेनापतित्व काल में मारवाड़ का स्वतंत्रता संग्राम मुगलों के खिलाफ चलता है। जैसे अजीत सिंह सत्ता में आते हैं उनको विधिक शासक मान लिया जाता है, दुर्गादास राठौड़ के साथ उनके संबंध खराब हो जाते हैं, उन्हें देश निकाला दे दिया जाता है। दुर्गादास वहां से मेवाड़ में अमर सिंह द्वितीय के दरबार में चले जाते हैं। अमर सिंह उनको रामपुर और विजयपुर की दो जागीरें दे देते हैं। कुछ समय बाद में वो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन की तरफ प्रवास कर जाते हैं और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका स्मारक भी वहीं बना हुआ है। दुर्गादास राठौड़ का राजस्थान के इतिहास, मारवाड़ के इतिहास, लोक कथाओं में बहुत जबरदस्त स्थान है। उनको मारवाड़ का अनबिंदिया मोती भी कहा गया है। कुछ लोग इटली के गैरिबाल्डी के नाम के पीछे कहते हैं कि ये मारवाड़ के गैरिबाल्डी थे और टॉड कहते हैं एनल्स में कि ये मारवाड़ों के यूलिसीज है। अजीत सिंह को बादशाह ने शासक मान लिया। 1715 में उन्होंने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल बादशाह फर्रुख शेर के साथ कर दिया। फर्रुख शेर की कुछ समय बाद में हत्या हो जाती है, शहीद बंधु हत्या करवा देते हैं, इंद्र कुंवरी वापस मारवाड़ आ जाते हैं। अब अजीत सिंह के समय के कल्चरल, अब कुछ किताबें बोलते हैं कि अजीत सिंह भी राइटर थे। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था भाषा, एक किताब लिखी जिसका नाम था दुर्गा पाठ और एक ग्रंथ और लिखा जिसका नाम था गुण सागर। जोधपुर में उन्होंने कई महलों का निर्माण करवाया जिसमें मूल नायक फतेह महल और एक मंदिर का निर्माण कराया जिसका नाम था घनश्याम मंदिर। 1724 में जब अजीत सिंह के दो पुत्र थे अभय सिंह और भक्त सिंह, अभय सिंह के कहने पर भक्त सिंह अजीत सिंह की हत्या कर देते। तो ये थी अजीत सिंह के बारे में। अजीत सिंह की किताबों के बारे में हिंदी साहित्य का जब इतिहास लिखा जाता है तो एक राइटर है जिसका नाम है मिश्र बंधु विनोद, वो ये कहते हैं कि अजीत सिंह जो थे वो बहुत बड़े साहित्यकार थे। तीन किताबों के अलावा उन्होंने अन्य किताबें भी लिखी, हालांकि इसकी बहुत ज्यादा पुष्टि नहीं होती। तीन किताबों के अलावा राज रूपक का ख्याल, निर्वाणी दोहा, भवानी सहस्र नाम और एक किताब लिखी इसका नाम है अजित विलास, जिसमें माना जाता है कि उन्होंने 117 दोहे लिखे जब उन्होंने द्वारका की यात्रा की। अजीत सिंह के दरबार में एक संस्कृत के विद्वान थे जिनका नाम था भट्ट जगजीवन। उन्होंने संस्कृत में काव्य लिखा अजितोदय। जगजीवन भट्ट ने ही डिंगल भाषा में अजित चरित की रचना की। एक और विद्वान हुए पंडित श्याम राम, उन्होंने ब्रह्मांड वर्णन नाम की पुस्तक। अगले शासक है अभय सिंह। अभय सिंह 1724 से 1749। अभय सिंह के समय की जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है वो खेजड़ली की घटना है। अब ये खेजड़ली क्या है, अजीत सिंह ने अपने सामंत गिरधारी दास को 28 अगस्त 1730 में खेजड़ली में खेजड़ी काटने का काम सौंपा, लेकिन वहां के लोकल जिनकी लीडर अमृता देवी थी, जिसने खेजड़ों पेड़ पौधों को बचाने के लिए जो है वो माना जाता है कि पेड़ों से वो चिपक गए और उसमें वो आम जन भी मारे गए। कुल 363 लोग खेजड़ियों को बचाते हुए मारे गए जिसमें 294 पुरुष और 69 महिलाएं थी। इसे खेजड़ली का त्याग कहा जाता है, खेजड़ली का आंदोलन कहा जाता है। आज पूरे विश्व में जब पर्यावरण मित्रता की बातें हो रही है, आज से 300 साल पहले लोगों की पर्यावरण मित्रता की के जो मूल्य हैं वो कितने जबरदस्त रहेंगे, उन अपने मतलब 350 से अधिक लोग अपने आप जान न्योछावर कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी घटना है। इस घटना की स्मृति में आज भी खेजड़ली में एक वृक्ष मेला लगता है जो भाद्रपद में प्रतिपदा से लेकर शुक्ल दशमी तक चलता है। तो अभय सिंह के समय की एक तो इम्पोर्टेंट घटना है, अभय सिंह के दरबार में एक राइटर हुए जिनका नाम था कर्णिधान, उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है सूरज प्रकाश। डिंगल में लिखा गया एक बहुत बड़ा काव्य, इसे बिनद सिंगार भी कहा गया। इसमें अभय सिंह ने अहमदाबाद के सूबेदार बुलंद खां को युद्ध में पराजित किया, उस युद्ध का वर्णन है। इसी घटना पर एक और राइटर हैं कवि वीर भान, उन्होंने राज रूपक लिखा। ये पुस्तक उस समय नहीं मिलती, बाद में मान सिंह को मिलती है और मान सिंह को लगता है कि इतनी महान रचना है, इसके लेखक और इसके वंशजों को ढूंढा जाए, तो फिर वो कैसे करके ढूंढते हैं और उनको फिर जो गांव वगैरह बख्शिश किए जाते हैं। इन्हीं के काल में एक चारण कवि है पृथ्वीराज, जिन्होंने अभय विलास नाम की पुस्तक लिखी। अगले शासक है राम सिंह, 3 समय रहते हैं, 3 साल के लिए इनका शासन रहता है। इनके समय में अभय सिंह के भाई भक्त सिंह के साथ इनकी अनबन रहती है। वही भक्त सिंह है जो कि अभय सिंह के कहने पे अपने पिता अजीत सिंह की हत्या कर देते हैं। बाद में मराठों की सहायता से भक्त सिंह जो है वो राम सिंह को हटाकर सत्ता में आ जाते हैं। भक्त सिंह का समय जो है वो 1 साल का समय, 1751 से 1752 का वर्ष है भक्त सिंह का। इस समय वो ये समय जब मराठों का एक सक्रिय हस्तक्षेप मारवाड़ की राजनीति में प्रारंभ हो जाता है। अगले शासक है विजय सिंह जो भक्त सिंह के पुत्र हैं, 1752 से लेकर 1793। जिस राम सिंह को भक्त सिंह ने भगा दिया था उसी राम सिंह ने मराठों के साथ मिलकर आक्रमण किया मारवाड़ के ऊपर और कई परगनों को हड़प लिया।
इसमें एक अजमेर भी शामिल था जो कि मराठों के हाथ में चला गया। मराठों के एक सरदार होते थे जिनका नाम था जयप्पा सिंधिया। जयप्पा सिंधिया की नागौर में धोखे से हत्या करवा दी जाती। 1781 के वर्ष में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जो कि भगोड़ा बादशाह कहलाता है, बक्सर के युद्ध में हारने के बाद में नाम मात्र के शासक थे, उनके नाम पर जो शासन जो है वो महाजी सिंधिया करते थे, उनके कहने पर विजय सिंह को सिक्के डालने की अनुमति मिल जाती, इसलिए जो मारवाड़ से सिक्के मिलते हैं उनका प्रसिद्ध नाम विजय शाही सिक्के हैं। 1787 में जयपुर की सेना के साथ मिलकर मारवाड़ ने तुंगा के युद्ध में मराठों को पराजित किया और इसी वर्ष उन्होंने मराठों से अजमेर पुनः प्राप्त कर लिया। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही पाटन की लड़ाई होती है जो 20 जून 1790 में होती है, उसमें पुनः मराठों से पराजित हो जाते हैं, अजमेर वापस मराठों के हाथ में चला जाता है। विजय सिंह पर उनकी पासवान यानी उनकी उपरानी जो है गुलाब राय, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव था। श्यामल दास वीर विनोद में लिखते हैं कि गुलाब राय है वो मारवाड़ की नूरजहां थी। जिस प्रकार नूरजहां का प्रभाव जहांगीर पर था, उनके शासन प्रणाली पिता सब राजकाज पर उनका प्रभाव था, वैसे ही गुलाब राय का प्रभाव विजय सिंह के समय में जबरदस्त था। वर्चुअल रूलर वही थी और उन्हीं के कहने पर उन्होंने अपने पुत्र भीम सिंह के बजाय अपने पौत्र मान सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया, विजय सिंह के बाद भीम सिंह ही सामंतों की सहायता से सत्ता में आते। भीम सिंह 1793 से 1803 लगभग 10 साल शासक रहते हैं। इनके समय की एक इंपॉर्टेंट घटना मैंने आपको बताई थी कृष्णा कुमारी विवाद के बारे में, जिसमें मेवाड़ की प्रिंसेस कृष्णा कुमारी का एंगेजमेंट इनके साथ होता है लेकिन पहले इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके एक कवि हुए जिनका नाम था रामकर्ण, उन्होंने संस्कृत में एक पुस्तक लिखी, इसका नाम था अलंकार समुच्चय। भीम सिंह के बाद उनके पुत्र मान सिंह सत्ता में आते हैं 1804 से 1843 तक। मान सिंह के समय की इंपॉर्टेंट घटना, एक तो मैंने आपको कृष्णा कुमारी विवाद का एक एंगल मान सिंह के साथ भी जुड़ा हुआ था। मान सिंह ये चाह रहा था कि कृष्णा कुमारी मेवाड़ की जो प्रिंसेस है, भीम सिंह की पुत्री है, उसका विवाह मान सिंह से कर दिया जाए और इसी घटनाक्रम में जो मैंने आपको मेवाड़ में तफसील से बताया था, इसी घटनाक्रम में गिंगोली का युद्ध होता है जिसमें मराठों की और जयपुर की मिलीजुली सेना से मारवाड़ की सेनाएं पराजित होती है। राजा को भाग के सिवाना जालौर जाना पड़ता है। बाद में जब वो जालौर में रह रहे होते हैं तो उन पर नाथ पंथ के देव अयस नाथ का बहुत जबरदस्त प्रभाव होता है और वो नाथ पंथी बन जाते हैं और बाद में अमीर खां पिंडारी के साथ मिलके वापस मारवाड़ पर अपना कब्जा कर लेते हैं। मान सिंह पर नाथ पंथ के संस्थापक, जो हम कल्चर पढ़ेंगे इंडिया वाला तब आपको बताया जाएगा, मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है। एक शैव पंथ है जो कानों में छेद रखते हैं बड़े, उनको कनफड़े भी कहा जाता है। हठ योग इन्होंने दिया। इनके बड़े जो संत हुए उनमें मत्स्येंद्र नाथ है, गोरखनाथ है, जलंधर नाथ है, भृतहरि है। तो मान सिंह पर नाथों का जबरदस्त प्रभाव था, इसलिए उन्होंने नाथों के लिए अलग से स्थान बनाया, इसका नाम है महामंदिर, जो आज भी जोधपुर शहर में स्थित है। मान सिंह ने आगे चलकर बहुत साहित्य का सृजन किया, उसमें अपना 3/4 साहित्य उन्होंने नाथ संप्रदाय पर ही किया है। जोधपुर में उन्होंने मान पुस्तक प्रकाश केंद्र बनाया जिसको मान पुस्तकालय भी कहा जाता है। 1818 में मान सिंह ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली। सहायक संधि करने वाले राजपूताना में जितने भी शासक थे, धीरे धीरे अंग्रेज वर्चुअल रूलर वहां के बन गए। वहां पे अपने रेजिडेंट को उन्होंने धीरे धीरे नियुक्त कर लिया और वहां की शासन प्रणाली वो संभालने लगे। आगे वाले जितने भी राजा आए वो सब अंग्रेजों के प्रभाव में ही रहे और अंग्रेजों के कहने पर ही उन्होंने अपने राजकार्य को संभाला। मान सिंह भी इसका अपवाद नहीं थे। अंग्रेज यहाँ ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम क्या करता है, किया जाता है, सेना में एक जोधपुर लीजन बनाई जाती है जो एरिनपुरा में स्थापित की जाती है। ये घटना 1835 में होती है। उसके 4 साल बाद में अंग्रेज जोधपुर किले पर भी सक्रिय रूप से काबिज हो जाते हैं और जोधपुर में ही पॉलिटिकल एजेंसी स्थापित होती है। मान सिंह का आधा पीरियड पहले है, आधा पीरियड बाद में। संधि के बाद में शांति का काल हो गया था, अंग्रेजों ने सब सुरक्षा की व्यवस्था संभाल ली थी, मराठों के आक्रमण होने बंद हो गए थे क्योंकि इस समय तक आते आते तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो चुका था, पिंडारियों का दमन हो चुका था। लॉर्ड हेस्टिंग्स थे 1813 से लेकर 1823 तक, उन्होंने युद्ध अलग अलग युद्ध अभियानों में सब जो है मराठों का सफाया कर दिया। तो अब राजा के पास में फुर्सत है, राजा वाकई में राजा नहीं रहा है लेकिन फिर भी तो वो उसके टाइम में साहित्य समृद्धि संस्कृति का विकास इत्यादि सब होते हैं। मान सिंह के दरबार में जो प्रमुख कवि रहे हैं या साहित्यकार रहे हैं उनका नाम था बांकी दास, जो मारवाड़ के पचपदरा परगने के भांडियावास के रहने वाले थे। इन्होंने संस्कृत, फारसी, डिंगल, पिंगल इन सभी भाषाओं पर महारत हासिल की हुई थी। इनके पुस्तकों में बांकी दास की ख्यात कुकवि बत्तीसी, दातार बावनी, मान जसो मंडन इत्यादि प्रमुख किताबें हैं। आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि बांकी दास उस समय में भी लिखते हैं आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, मतलब वो पहले साहित्यकार माने जाएंगे जिन्होंने इस बात को भांप लिया कि अंग्रेज जो है वो फिरंगी है, वो अन्य आक्रांताओं से अलग है। मान सिंह स्वयं भी बहुत बड़े साहित्यकार विद्वान थे। ऐसा माना जाता है कि मोर देन 60 जो ग्रंथ है उन्होंने लिखे, जिनमें से 3/4 नाथ संप्रदाय पर लिखे गए। इसमें नाथ चरित, जलंधर नाथ चरित, नाथ वर्णन ग्रंथ, जलंधर चंद्रोदय
और ऐसी 2 दर्जन से अधिक किताबें हैं। उन्होंने कृष्ण विलास भागवत नाम का ग्रंथ लिखा जो कि भागवत टीका के कुछ स्कंदों पर टीका है। इसके अलावा उन्होंने भागवत पर राजस्थानी भाषा में टीका भी लिखी। एक और किताब मानी जाती मान सिंह ने लिखी जिसका नाम है 84 पदार्थ नामावली। ये एक तरह का एनसाइक्लोपीडिया है विश्वकोश जिसमें विविध विषयों पर लिखा गया है, जिसमें संगीत है, जिसमें भेषज है, जिसमें नृत्य है, न्याय है, धर्म है, दर्शन, इन सब की बातें कही गई। एक शब्द का ध्यान भी आपको रखना पड़ा जिसे शब्दी कहा जाता है। शब्दी इस प्रकार का साहित्य जो नाथों के लिए लिखा जाता था। बहुत सी शब्दियां जो है वो सब्जियां मत सुना, शब्दियां जो है वो मानसिंह ने लिखा, जैसे गरीबनाथ शब्दी, पार्वती शब्दी इत्यादि इत्यादि। मानसिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रताप कुंवरी, ऐसा माना जाता है। उन्होंने 15 से अधिक डिंगल के अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे। वो अपने समय की एक विदुषी महिला थी। ज्ञान सागर, ज्ञान प्रकाश, प्रताप 25 ऐसी किताबें लिखी। मानसिंह 1843 में डेथ हो जाती है, अगले शासक बनते हैं तखत सिंह। तखत सिंह की खास बात यह है 1857 के विद्रोह में वो अंग्रेजों की तरफ से जो है वो लड़े थे, अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उसके समकालीन मारवाड़ के शासक थे और उन्होंने ही सामंतों की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया था जिसकी वजह से गुलर, आलणिया वास, आउवा के सामंत उनसे पहले से नाराज थे और इसी दौरान जो है वो चेलावास इत्यादि का युद्ध भी होता जो हम बाद में जो है स्वतंत्र संग्राम पढ़ेंगे राजस्थान का, तब से 1857 में जब है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तखत सिंह के समय की एक इंपॉर्टेंट घटना ये भी है कि तखत सिंह जैसे सत्ता में आए तो अब वो अपने जिस तरह का सम्मान नाथों को मानसिंह के समय मिला वो तखत सिंह के समय में नहीं मिल रहा था, तो नाथों ने विद्रोह कर दिया और नाथों के विद्रोह को दबाया। एक काम ये भी इंपॉर्टेंट घटना हुई। दूसरी घटना ये हुई कि उमरकोट, जिसको उमरकोट भी कहा जाता है, जो मारवाड़ के पश्चिम में स्थित है, सिंध में स्थित है, उस पर दावा किया मारवाड़ ने कि ये मारवाड़ का भाग है। ये बात है 1843 की, जैसे वो सत्ता में आते तब की बात है। 1870 में जब लॉर्ड मेयो ने दिल्ली में दरबार बुलाया, उस दरबार में तखत सिंह शामिल नहीं हुए। इसका क्या परिणाम हुआ? अंग्रेज नाराज हो गए, उनको जो तोपों की सलामी दी जाती है उनकी संख्या कम कर दी, उन पर दबाव डाला गया कि आप जो है सक्रिय राजकाज छोड़ दीजिए, अपने पुत्र जसवंत सिंह को राजकाज करने दीजिए। अब उनके समय में साहित्य इत्यादि का क्या विकास हुआ? तो उनके समय के एक कवि हैं जिनका नाम है कवि शेष और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है तख्त विलास चंपू। 19वीं सदी के बेहतरीन संस्कृत ग्रंथों में ये ग्रंथ शुमार है। 1873 से लेके 1895 तक जसवंत सिंह द्वितीय मारवाड़ के शासक बनते हैं। जसवंत सिंह के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, एक तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेजों के भक्त थे। उन्होंने 1875 में कलकत्ता में अंग्रेजों ने दरबार लगाया, 1877 में दिल्ली में जो दरबार लगाया सब में वो शामिल हुए। उन दिनों में लॉर्ड लिटन जो है भारत के वायसराय होते थे, जो कि काफी प्रतिक्रियावादी माने जाते थे, उनसे जितने भी शासक थे वो सब डरते थे। सांबर झील, पचपदरा झील, डीडवाना झील इत्यादि, यहाँ नमक से रिलेटेड जो है काफी राजस्व मिलता था। अंग्रेजों ने एक सॉल्ट एग्रीमेंट किया, नमक समझौता कहा जाता है, वो मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह द्वितीय के साथ की। 1887 में महारानी विक्टोरिया ने गोल्डन जुबली मनाई, रूल की, इसलिए जसवंत सिंह द्वितीय ने प्रताप सिंह को इंग्लैंड में उसमें भाग लेने के लिए भेजा। जसवंत सिंह द्वितीय के समय ही मारवाड़ में पहली जनगणना 1881 में आयोजित की जाती। अब इस समय जो भी काम हो रहा है वो बेसिकली अंग्रेज करवा रहे हैं, फेस जो है वो राजा का है। 1883 में जब इनका शासनकाल चल रहा था उस समय आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती, मारवाड़ उनका आगमन होता है और वो वहाँ रुकते हैं, वहाँ के राजकाज को देखते काफ़ी जो है रुष्ट हो जाते हैं। जसवंत सिंह को बोलते हैं कि आप स्वदेशी स्वधर्म को अपनाइए, कुव्यवस्था को बंद कीजिए और वहीं से जो है उनकी जहर खुरानी हो जाती है और रस्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है। वो मॉडर्न इंडिया में डिटेल में पढ़ेंगे। अंग्रेजों के प्रभाव में आकर दयानंद सरस्वती के प्रभाव की वजह से 1885 में जसवंत सिंह द्वितीय ने मारवाड़ में बाल विवाह पर, चाइल्ड मैरिजेस पर बैन लगा दिया। जसवंत सिंह के दरबार में महामहोपाध्याय कविराज मुरारीदान रहते थे और उन्होंने यशवंत यशोभूषण नाम का ग्रंथ लिखा। ये अलंकार से युक्त ग्रंथ माना जाता है, संस्कृत भाषा में लिखा गया। 1895 में जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में सत्ता में सरदार सिंह आते हैं जो 1911 तक सत्ता में रहते हैं। सरदार सिंह को पोलो खेलने का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए उन्होंने पोलो को बहुत आगे बढ़ाया और जोधपुर को पोलो का घर कहा गया। मध्यकालीन भारत में राजा की व्यवस्था ये होती थी कि चोरी, जो माल चोरी हो जाता था वो पकड़ा जाता था, उसमें 1/4 जो है सरकार रख लेती थी। इस व्यवस्था को अंग्रेजों के कहने पर बंद कर दिया गया। 1899 में चीन में एक विद्रोह हुआ जिसे बॉक्सर विद्रोह कहा, जो अंग्रेजों से परेशान थे, उस विद्रोह को दबाने के लिए सेनाएं भेजी गई, उसमें सरदार सिंह की सेना मारवाड़ से गई थी और वहां पर जब इस विद्रोह को दबा दिया गया तो उन्होंने अपने फ्लैग पे, मारवाड़ के फ्लैग पे चाइना 1900 लिखवाना प्रारंभ किया। 1910 में उन्होंने एडवर्ड रिलीफ फंड बनाया और जिसमें करीबन 29,000 का कोष था। ये गरीब
जरूरतमंद लोगों के लिए बनाया गया था। जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में उन्होंने एक स्मारक बनाया जिसे जसवंत थड़ा कहा जाता है। ये मार्बल में बनाया गया है, देखने में ये काफ़ी बेहतरीन है, हालांकि इनके आकार ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है क्योंकि पूरी तरह से मार्बल में बना हुआ है। 1911 से 1918 अगले साथ सकें सुमेर सिंह। 1911 में जब जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ तो वो दरबार में शामिल होते हैं। ये राज्यारोहण पहले उनका कोरोनेशन लंदन में हुआ, वहाँ भी वो गए, और बाद में दिल्ली में दरबार लगा उसमें भी वो शामिल हुए। प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 जब चल रहा था तो उन्होंने सर प्रताप के नेतृत्व में सेना मारवाड़ से भेजी। अगले शासक हैं उम्मेद सिंह 1918 से 1947 तक। 1929 में मारवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा, उस अकाल से लोगों को राहत देने के लिए उन्होंने नरेगा जैसा काम स्टार्ट किया जिसमें काम के बदले भोजन मिलता था, और इसलिए उन्होंने उस काम में अपना महल बनवाया जिसे चित्तर पैलेस कहा जाता है, बाद में उम्मेद पैलेस कहा जाता है, जो जोधपुर की एक प्रतीक जो है पहचान के रूप में आज भी अवस्थित है, और यहीं पे ही उसने अपना निवास स्थान बनाया। जो राजा आज के पूर्व महाराज जो हैं वो भी वहीं रहते हैं, तो इसको चित्तर पैलेस और उम्मेद पैलेस कहा जाता है। चित्तर इसलिए क्योंकि पत्थर चित्र नामक स्थान से लाया गया। इन्हीं के काल में मारवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे जिसको उन्होंने सप्रेस किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो न केवल अंग्रेजों की तरफ से उन्होंने सेना भेजी, खुद भी मैदान में लड़ने के लिए गए। जितनी भी उस समय पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती जैसे प्रिंसेस ऑफ चैम्बर जिनको नरेंद्र मंडल कहा जाता है, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन था, उन सब में भी वो शामिल हुए। उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को भी भेजा। 1946 में संविधान सभा बनी, उसमें रजवाड़ों की तरफ से प्रतिनिधि नामांकित होकर गए, तो उन्होंने लोक प्रतिनिधि जयनारायण व्यास को संविधान सभा में भेजा। ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको हम डिटेल में मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे। अंतिम राजा है जिनका नाम है हनुमंत सिंह, जिनको हनुमंत सिंह भी कहा जाता है। 1947 से लेके 49 तक जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय वो मारवाड़ के शासक थे। भोपाल के नवाब के साथ मिलकर वो ये चाहते थे कि जो राज्यों का एक अलग से संघ बने। कुछ लोग ये भी कहते हैं वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन इसका कोई फैक्ट्स जो है वो हमें कॉरोबोरेटेड फैक्ट्स नहीं मिलते। ये जोधपुर के राठौड़ वंश के अंतिम शासक थे। तो ये सारी बातें, तमाम बातें मारवाड़ के संक्षिप्त इतिहास पर। शुक्रिया।